हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे कोकोनट बर्फ़ी। कोकोनट बर्फ़ी को आप किसी भी ओकेज़न पर बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हम इसे नवरात्रि के लिए बना रहे हैं क्योंकि अब नवरात्रि चल रहे हैं, आप इसे व्रत में खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए हम देख लेते हैं कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 300 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 10 से 15 काजू जिन्हें हमने काट लिया, एक बड़ी चम्मच पिस्ता कटे हुए, 250 ग्राम कोकोनट पाउडर। आइए हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस के ऊपर पैन रखेंगे और उसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। इसे हल्का गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो मिनट के बाद हम इसके अंदर काजू डालेंगे और उसे फिर से 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए पका रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण गाढ़ा होने लगा है। इसे हम अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। इसे हम जमने की कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। हमारा मिश्रण पककर तैयार है। अब हम जिस ट्रे के अंदर इसको सेट करना चाहते हैं उसमें घी डालकर उसको ग्रीस कर लेंगे। और अपने नारियल का मिक्सचर हम इस ट्रे के अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसके ऊपर पिस्ते डालेंगे। इन्हें भी हम थोड़ा सेट कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएं। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारी बर्फ़ी कटने के लिए तैयार है। अब हम इसे काट लेंगे। शेप आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, मैं इन्हें स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।